जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर हमें क्या है, कुछ लोगों को अपना दोस्त बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आज की ये जो वीडियो है ये इसी से रिलेटेड होने वाली है कि दोस्त कैसे बनाएं। सो हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, हियर राज विद दिस साइड, वेलकम टू दिस चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से आप जो है नए दोस्त बना सकते हैं, या फिर यूं कहें कि वो आपको हेल्प करेंगी नए दोस्त बनाने में। चलिए जानते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि पहले खुद को अच्छे से समझें। आपको दोस्त बनाने से पहले खुद को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप खुद को अच्छे से नहीं समझोगे, नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे तो आप गलत लोगों का साथ करने लगोगे, गलत लोगों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करने लगोगे। ऐसे लोग जिनके इंटरेस्ट आपके साथ मैच नहीं करते हैं, बिलीफ सिस्टम आपके साथ मैच नहीं करता है, थॉट्स मैच नहीं करते हैं, तो इन फ्यूचर क्या होने वाला है, फिर ये लोग आपके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में, बिलीव्स के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, लाइक डिसलाइक के बारे में, सारी चीजों से क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि जब आपको उनके साथ मैच करते हुए लोग दिखें तो आप उन्हें अपना फ्रेंड बना पाओ। और यकीन मानिए, ऐसे आधार पे बनी हुई जो दोस्ती होती है वो ज्यादा देर तक टिकती है। क्यों? इसका कारण ये है कि आप में और आपके दोस्त में बहुत सारी चीजें जो है कॉमन होंगी, जो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग करेंगी। दूसरी टिप मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपके नए दोस्त बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इट इज बी काइंड, सपोर्टिव एंड हेल्पिंग नेचर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बी काइंड, सपोर्टिव एंड हेल्पिंग नेचर, बिकॉज ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं, अगर ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं तो यकीनन ये आपको नए दोस्त बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। दो कारण है इसके। पहला, जब आप में ये तीनों क्वालिटीज होंगी ना, क्योंकि कोई भी इंसान चाहेगा कि जिसमें ये तीनों क्वालिटीज हों, जो काइंड हो, सपोर्टिव हो, नाइस नेचर्ड हो, हेल्पिंग नेचर्ड हो, वो मेरा दोस्त हो। ठीक है, पहली बात तो लोग चाहते हैं कि हमारे दोस्त में ये सारी क्वालिटीज हों। और दूसरा कारण जो है इसका वो ये है कि जब आप हेल्पिंग नेचर के होंगे, सपोर्टिव होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, तो दूसरे लोगों को जब मदद की जरूरत पड़ेगी ना, वो जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब वो लोग सामने से हेल्प के लिए आपको डिमांड करेंगे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपका नेचर ऐसा होगा, आपकी पर्सनालिटी में ये तीनों ही क्वालिटीज होंगी, तो आप किसी भी नई जगह पर चले जाएं, वहां पर लोग सामने से आप तक अप्रोच करेंगे। सो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी नए दोस्त बनाने में। अपने नेचर में आपने ये तीनों ही क्वालिटीज जरूर लेकर आनी है। थर्ड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसे बहुत सारी बुक्स में भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है, इट इज एक बड़ा और खुला दिल रखें। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का दिल बड़ा होता है, खुला होता है, ऐसे लोगों के साथ दूसरे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो ऐसे लोगों को पॉजिटिव समझते हैं, थोड़ा उनकी ओर से पॉजिटिविटी सी आती है। और साथ ही में जब आपके नए दोस्त बनेंगे ना, वो आपको परखेंगे भी, आपकी दोस्ती को आजमाएंगे भी, तो वहां पर अगर आप एकदम ही कंजूस से बनकर रहोगे तो भी नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका दिल जो है बड़ा हो और थोड़ा सा खुला हो जब आप नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट इट डजंट मीन कि आप अपना पैसा, आप अपना टाइम ऐसे ही दूसरों के ऊपर लुटाते फिरो, बर्बाद करते फिरो। आपने बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर जो है चलना है। और इसमें आपने दो चीजों का और खास ध्यान रखना है कि आपने फेक नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि अगर आप फेक बने तो कब तक फेक बन लोगे, और फेक और कंजूस बने तो ऐसे जो रिश्ते, आपकी जो भी दोस्ती वगैरह होगी वो कैसी होगी, मतलबी होगी। जब भी आप उनको मना कर दोगे, ना बोल दोगे, उसी दिन आपकी दोस्ती खत्म हो जानी है। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने फेक और कंजूस नहीं बनना है। बनना कैसे है? ईमानदार बनना है, जेन्युइन बनना है। इससे क्या है, आपकी दोस्ती में कोई भी झूठ नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, जिससे आपके दोस्त बनेंगे भी और ज्यादा देर तक रहेंगे भी। नेक्स्ट जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इट इज कि कभी भी चीजों को पर्सनल रूप से ना लें, स्पेशली जब आप ऐसे लोगों के बीच में हो जिनको आप अपना दोस्त बनाना चाहते हो। पता क्या होता है, जब हमारे आसपास के लोग होते हैं वो आपको थोड़ा सा जानने लगे हैं। अब आप ही हैं, जब स्कूल में है या कॉलेज में है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, बट अभी वो सारे लोग आपके दोस्त तो नहीं है, राइट? वो आपके साथ बस आते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी है। तो ऐसे में कुछ लोगों के माइंड में होगा कि वो आपको अपना दोस्त बनाए। उसी बीच में
आप अभी थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानने ही लगे होंगे, उसने मान लो कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको थोड़ी सी चुभ गई, या फिर आपने किसी से किसी हेल्प की डिमांड करी और उसने मना कर दिया, तो इस बीच में अगर आप चीज को पर्सनल ले गए या नेगेटिव हो गए तब तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, फुल स्टॉप ही लग जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर किसी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया थोड़ा बहुत, आप उसे रियलाइज करवाइए, आप उसे बताइए कि आप यहाँ पे गलत है और आपको ये दोबारा से नहीं कहना चाहिए, वैसे मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, ओके। तो इस तरीके से आपने चीजों को बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं लेना है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है शुरू में, और एक मोमेंट पे जब आप उनको अच्छे से जाने लग जाओगे, वो आपको अच्छे से जाने लग जाएंगे, तब आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे एक दूसरे के साथ। बट आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि चीजों को बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं लेना है शुरू शुरू में। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इट इज कि दोस्तों के साथ आपने थोड़े से क्रेजी मोमेंट्स क्रिएट करने हैं। ये चीज आपको, ये टिप जो है स्पेशली तब हेल्प करेगी जब किसी चार पांच लोगों का ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल है और आप चाहते हैं कि आप भी उस फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो जाएं या वो लोग आपको अपना फ्रेंड बना लें, तो इस चीज में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप उनके साथ घूमने चले जाओ, कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो उनके साथ खाना खाने चले जाओ, जैसे थोड़ा सा आपने फन वगैरह करना है ताकि आप उनको थोड़ा सा और अच्छे से जान पाओ, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करो, थोड़ी मोमेंट्स क्रिएट करो। इससे क्या होगा, आप उनके ग्रुप में कंफर्टेबल होने लगोगे और वो भी ये आपको समझने लगेंगे कि ये मेरा एक अच्छा दोस्त है और आपको भी सेम फीलिंग आएगी, तो इस चीज को आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इट इज कि थोड़ा उन लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने की बात हो रही है। अब आप उनको जानते भी हैं, अब आप उनके काइंड ऑफ फ्रेंड भी बन गए हैं, अब यहाँ पर बारी आती है उनका अच्छा फ्रेंड बनने की, ये बताने की कि आप में वो क्वालिटीज हैं एक अच्छे दोस्त वाली। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ डीप टॉपिक्स के ऊपर उनसे बात करिए, उनको पहचानिए, जानिए, उनको समझिए, उनको उनके गोल्स के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं, ड्रीम्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर वो भी आपको अपना फ्रेंड मानते होंगे तो यकीनन वो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। अगर आपको उस चीज के बारे में कुछ पता है तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, या जो भी आपके बस का है। एक सच्चे दोस्त का जो जेन्युइन फीडबैक होता है ना, ऑनेस्ट फीडबैक होता है, आपने वही शेयर करना है, आपका एटीट्यूड उस मोमेंट के ऊपर वही होना चाहिए। तो ये टिप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपके काइंड ऑफ फ्रेंड है, उनका अच्छा फ्रेंड बनने के लिए आपने उनसे थोड़ा मेलजोल बढ़ाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 6 टिप्स शेयर करी हैं जो आपको हेल्प करेंगी नए दोस्त बनाने के लिए। आप इन्हें जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस के मैं लिंक ऐड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।